कोरोना वायरस के फैलन को रोकने लिए पंजाब सरकार वालों चंडीगढ़ विखे स्थापित किए गए विशेष स्टेट कंट्रोल रूम के अधिकारी रवि भगत वालों जानकारी साझी करते हुए कहा कि पूरी दुनिया सने पंजाब चो भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। उन्होंने दसिया कि पंजाब चो हुण तक 29 केस मिल चुके हैं ते होर भी शक्की मरीजों की चंगी पद्धर से जांच जारी है। उन्होंने लोगों भी सहयोग देने की अपील करते हुए हैल्पलाइन नंबर 104 ते वैबसाइट www.pbhelp.org.in की वरतों करने की बेनती की। कोरोना वायरस संकट के संबंध में पंजाब में पैदा हुई स्थिति बारे अपडेट जानकारी देने का आज दूसरा दिन है। WHO द्वारा की गई आंकड़िया की स्थिति गंभीरता स्पष्ट करती है। आंकड़े अनुसार विश्व में 3.5 लाख मरीज वायरस द्वारा प्रभावित हुए हैं। कल तक विश्व भर में 14,510 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस समस्या नाल सिर्फ पंजाब ही नहीं जूझ रहा, यह विश्व भर की समस्या बन गई है। सानू उन राज्यों को सीख लेने की जरूरत है जो वायरस को काबू करने में कामयाब हुए हैं। पंजाब राज के आंकड़े इस प्रकार हैं। आज तक नवांशहर 18, SAS नगर 5, हुशियारपुर 1, अमृतसर 2 ते जलंधर 3 केस वायरस के आए हैं। कई मीडिया वालों आज ये रिपोर्ट दिखाई जा रही है कि आज जो एक डेथ हुई है वो कोरोना वायरस करके हुई है जो कि ठीक नहीं है। उस शख्स का टेस्ट जो किया गया वो नेगेटिव आया है। कोरोना वायरस के फैलन से रोकने को इस चक्कर को तोड़ने लिए सारे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी कमिश्नर को यह हिदायत दी है कि कर्फ्यू के बीच समय समय से ढील दी जाए। समूह डिप्टी कमिश्नर साहबानों को हिदायत की गई है पूरी वस्तुआं जिवें कि सब्जी दवाई फल जनता के घरों घरे पहुंचाने के उपराले किए जाए। यह चुनौती सिर्फ सरकार नाल नहीं तुहाडे सहयोग नाल पूरी की जा सकती है। जे किसी नूं खंघ बुखार साह लैण दे विच मुश्किल आवे या शरीर विच दर्द हुंदा है तां ओह 24/7 104 हेल्पलाइन विच संपर्क कर सकता है। यह दोहराया जाता है राज्य इस चुनौती का मुकाबला करने लिए पूरी तरह तैयार है। यह उद्देश्य की प्राप्ति लिए तुहाडा सहयोग बहुत जरूरी है। किसी भी समस्या लिए जिला हेल्पलाइन नाल संपर्क किया जा सकता है जिसका वेरवा पंजाब चो कोरोना वायरस करके अमन कानून की स्थिति की समीक्षा करते हुए पंजाब पुलिस मुखी दिनकर गुप्ता ने कर्फ्यू नूं होर भी सख्ती नाल लागू करने के निर्देश देंदे हुए दस्या कि हुण तक 17,000 लोगों नूं घरां चो ताड़िया गया है। 346 लोगों ते FIR ते 320 लोगों नूं कर्फ्यू तोड़न करके गिरफ्तार भी किया गया है। अज मैं सिचुएशन का रिव्यू किया है सारे कमिश्नर ऑफ पुलिस और SSPs दे नाल सारे पंजाब दे ते ये सामने आ रहा है कि क्योंकि सिचुएशन हले भी बहुत जड़ी COVID-19 दे कारण जो सिचुएशन है अपने सूबे दे विच वो हले भी सीरियस है। दुनिया भर दे विच देश भर दे विच सिचुएशन बहुत सीरियस ते ग्रेव बनी हुई है। पंजाब विच करीब 29 केस हुण तक कन्फर्म हो चुके ने ते बाकियां दी टेस्टिंग चल रही है। सो इस तों अलावा इन्हां दे कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी क्वारंटाइन दे विच हैगे हैं। उन्हां नूं कुछ नूं करीब 17,000 बंदे होम क्वारंटाइन दे विच हैं अज दी डेट दे विच। सो इहो जी स्थिति दे विच सानूं मैनूं इह मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां कि असीं कर्फ्यू नूं बहुत स्ट्रोंगली इनफोर्स करांगे। मैं सारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ्स नूं क्या CPs ते SSPs नूं कि कर्फ्यू बहुत स्ट्रोंगली इनफोर्स करना पवेगा और 100 करीब असीं 346 FIR दर्ज कीतियां करीब 350 असीं FIR दर्ज कीतियां ते करीब 320 लोगों नूं गिरफ्तार भी किया है कर्फ्यू वायलेशनस दे लई क्वारंटाइन वायलेशनस दे लई। और ये असी होर भी मतलब ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस सानू ये रखनी पैनी है। ब्यूरो रिपोर्ट विजन पंजाब TV। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स एंड एंटरटेनमेंट वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।